दोस्तों, आज मैं आपको एक केस का लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये डिजीज इतनी कॉमन होती है कि अगर आप रैंडमली सर्च करो तो अमंग आउट ऑफ 10 सामान्य लोगों में से 6 से 7 लोगों में ये कॉमनली पाई जाती है। ये है सिस्टिक थायराइड नोड्यूल। आज के लाइव केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक दिल्ली से एक लड़की, जिसका मैं नाम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूँगा, मैं नहीं बता पाऊँगा, वो आई। उसकी एज करीबन 20-22 साल थी और उसका बेसिक कंसर्न ये था कि वो बहुत परेशान थी, स्लाइटली डिप्रेस भी थी कि मेरी ये बहुत गाढ़ बाहर से दिख रही है, मैं इसमें कैसे करूँ अब, क्योंकि शादी की एज हो चुकी है। उसके साथ उसके सिस्टर आई थी जो कि जयपुर में ही रह रही थी। तो वो हमारे पास आई, वो बेसिकली माइक्रोवेव एब्लेशन के हिसाब से आई थी। मैंने उसकी थायराइड में देख के देखा कि ये सिस्टिक नोड्यूल है, ऑनली पानी की गांठ है। तो मैंने बोला कि अपन इसको माइक्रोवेव एब्लेशन की जगह इथेनॉल एब्लेशन करते हैं। तो हमने उसका इथेनॉल एब्लेशन किया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही दिखाऊंगा कि हमने उसका इथेनॉल एब्लेशन किस तरीके से किया और कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो किया। सबसे पहले हम एक पतली सी 24 और 26 गेज के सुई लेके, निडल लेके, हम इसमें एक लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए लगा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं। हाइड्रो डिसेक्शन में क्या कर रहे हैं, देखिए, ये एक निडल जा रही है और इस निडल से हम जो वाइटल स्ट्रक्चर में कैरोटिड आर्टरी, जुगलर वेन्स और नर्व्स होती है, उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं अपने नोड्यूल से, ताकि इन नर्व्स की या इस वाइटल स्ट्रक्चर की इंजरी होने के चांस नहीं रहे। उसके बाद हम देखिए, ये एक 16 गेज की निडल थायराइड नोड्यूल के अंदर जाती है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए लेके जाते हैं। और इससे करना क्या है, इससे हम जितना भी अंदर का जो कंटेंट है, हम उसको एस्पिरेट करते हैं। देखिए, ये जो साइड में आप देख पा रहे हैं व्यू बॉक्स में, इसमें ये येलोइश कलर का एक कंटेंट एस्पिरेट हो रहा है। और इस तरह से हम जहाँ तक पॉसिबल होता है मैक्सिमम कंटेंट को एस्पिरेट कर लेते हैं और 1 to 2 ml कंटेंट को हम अंदर छोड़ते हैं, ताकि हमें हमारी जो हम अल्कोहल डालने वाले हैं उसका विजुलाइजेशन हमारे लिए प्रॉपर वे में बना रहे। और जितना कंटेंट एस्पिरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अल्कोहल की डोज कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल सिस्टिक नोड्यूल है, बिल्कुल सिकुड़ गया है, बिल्कुल छोटा हो गया है और उसमें ओनली 1 to 2 ml कंटेंट ही अंदर दिख रहा है। इसके बाद हम इसमें अल्कोहल इंजेक्ट करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो वाइटिश कलर के बबल्स दिख रहे हैं, ये सब अल्कोहल इंजेक्ट करने के बाद के बबल्स है। और ये वाइटिश कलर का ही हम अल्कोहल इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये वाइटिश कलर के बबल्स जो है, ये सब अल्कोहल कंटेंट है। तो अल्कोहल कंटेंट इंजेक्ट करने के बाद हम इस निडल को NS नॉर्मल सलाइन से अटैच करते हुए और उस ट्रैक को धीरे धीरे उसमें NS डालते हुए इस निडल को बाहर निकालते हैं, ताकि उस ट्रैक के अलोंग जो अल्कोहल आ रहा है वो पेशेंट को पेन नहीं करे। और उसके बाद करीबन हम 8 से 10 मिनट ये गॉज पीस लेके इस एरिया को हम हल्का सा कंप्रेस करते हैं, ताकि अल्कोहल अपना पूर्ण रूप दिखा सके। उसके बाद आप देख रहे हैं, हम 10 मिनट बाद देखा तो पेशेंट के ये सिस्ट जो थी, जो पहले बिल्कुल काली थी, वो अब अल्कोहल के अंदर मिक्स हो गई है। फिर हमने दोबारा से एक निडल डाली और इस अल्कोहल को वापस से रीएस्पिरेट किया। जितना भी हम इसमें से रीएस्पिरेट कर सकते हैं, हम एक बार रीएस्पिरेट कर लेते हैं और उसके आधार पर फिर हम इसको एक पतली सी एक पट्टी लगा के हम इसको घर भेज देते हैं। और फिर हम इसका करीबन 1 से 1.5 महीने बाद फॉलोअप लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कितनी आसानी से विद इन 5 मिनट हमने एक एस्पिरेट करके उसके अंदर मेडिसिन डाल के वापस रीएस्पिरेट कर लिया और करीबन 2 से 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट रेस्पॉन्ड पेशेंट में शो होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में अगर छोटा मोटा कंपोनेंट रह जाता है तो हम एक सेशन और कर देते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप प्रॉपर एक सर्जरी से बच गए, किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं हुई। तो आप अपनी डिजीज को लेकर अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, यही एक की है। धन्यवाद। जय हिंद।